वाओ दोस्तों, देखिए यार कितना रोमांचक यहाँ पे व्यू है। और दोस्तों फीलिंग बहुत ही मज़ेदार, और आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में। वाओ यार, ये लड़की है, सैल्यूट यार इसके लिए, इतना दम है इसके अंदर। तो दोस्तों देखो नज़ारा, यहाँ फुल HD व्यू फीलिंग का। तो मतलब गाड़ी में आओ तो अच्छा लगेगा, पैदल भाई देखो ना, अगर आपसे चढ़ पड़ती है चढ़ाई तो आप पैदल आओ, अगर नहीं तो फिर आप, मैं रिकमेंड करता कि आप किसी व्हीकल में आओ, नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आपने कहा कि मतलब गाड़ी में आना बेहतर रहेगा, लेकिन गाड़ी में जब आप आओगे तो मतलब आप जो प्रकृति का नजारा है वो नहीं ले पाओगे। वो जैसे हम ट्रैकिंग की तो हमें फोटो खींची और बहुत अच्छा लगा, मतलब हमने जल्दी पहुंच जाते गाड़ी से आप। तो दोस्तों अभी मैं हूँ बिलिंग में, और 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और आप ये देख सकते हैं जो पैराग्लाइडर का जो सेट है वो बना हुआ है, और ये यहाँ से उड़ेगा, थोड़ा रनवे लेंगे, फिर ये 15 किलोमीटर नीचे जाएगा। और आप यहाँ पे बर्फ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और ये स्पेशल जो है वो गवर्नमेंट ने बनवाया है यहाँ पे, इसको लगाने के लिए, उड़ाने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जब भी आए फुल इंजॉय करें, और हम भी थोड़ा इन्जॉय करेंगे। तो मैं थोड़ा वीडियोग्राफी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब में मेरे जो फ्रेंड है वो भी देख सकें, और आप बर्फ जो देख सकते हैं कितनी प्यारी बर्फ है। और यहाँ पे आप जो घूमने आए हैं बंदे ये भी देख सकते हैं, और यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी होती है, और थोड़ा सा 1500-2000 आपको देती है यहाँ से, तो पैराग्लाइडिंग आसानी से करवाई जा सकती है। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों इसको थोड़ा आगे फैला दीजिएगा, लोगों को भी दिखाइएगा। चल तो दोस्तों अभी जो फ्लाइंग का प्रोसेस है वो तैयार हो रहा है, और आप देख सकते हैं जो उड़ने वाला बंदा है उसको हार्नेस वगैरह जो है पहना दी गई है। और चलिए आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कैसे उड़ता है ये। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं बिलिंग में पहुंच गया हूं, और ये मेरा दोस्त संतोष, और हम फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, और बर्फ भी यहाँ पे बहुत अच्छी पड़ी हुई है, स्नोफॉल बहुत तगड़ी हुई है एक ही दिन में, एक ही रात में। और पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो आए हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। चारों तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बर्फ ही बर्फ दिखेगी, और व्यू यहाँ से काफ़ी बेहतरीन है। तो एक बार यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए अपनी लाइफ को। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं उस मैदान में, मैदान में थोड़ी देर बैठेंगे, इंजॉय करेंगे और खाएंगे पिएंगे। और यहाँ पे रेस्टोरेंट में छोटा मोटा रेस्टोरेंट है, और मैगी की जो वो फ्रेग्रेंस है, जो तो खुशबू है वो आ रही है, थोड़ी देर बाद हम मैगी भी खाएंगे। और ये मेरा दोस्त ये क्लाइंबिंग कर रहे हैं अभी,
ऊपर थोड़ा मैदान है बैठने के लिए, तो हम वहां बैठेंगे। तो वाह दोस्तों, देखिए यार कितना रोमांचक यहाँ पे व्यू है, और दोस्तों फीलिंग बहुत ही मजेदार। और आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में। बाय बाय दोस्तों। वाह यार ये लड़की है, सैल्यूट यार इसके लिए, इतना दम है इसके अंदर। तो दोस्तों देखो नजारा यहाँ, फुल HD व्यू व्हीलिंग का, बर्फ ही बर्फ, पैराग्लाइडर और लोग देख सकते हैं, और ये बहुत इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ दोस्तों जाओ, वाह दोस्तों देखिए मेरे क्रांतिकारी सहयोगी को, और बहुत ही इंजॉयबल यहाँ पे जो। हाय दोस्तों, तो अभी मैं जाऊंगा इस टैंक में, और इस टैंक में पड़ा है बर्फ, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों ध्यान से केयरफुली जाना पड़ेगा, क्योंकि बर्फ यहाँ पे सेट हो गई है, और मेरे जो पाँव है वो फिसल भी सकता है। दोस्तों चढ़ गया मैं यहाँ पे, और देखिए मैं पाँव जो है पूरा सेट करके जाऊंगा। वाओ दोस्तों अद्भुत यहाँ पे नजारा, और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। इंदर कम ऑन यार आजा। और दोस्तों देख सकते हैं पहाड़ों पे बहुत ही मजा है। वाह आजा बड़े, तू भी आजा बस खेलते खेलते आओ यार, खेलो थोड़ा यहाँ पे। मत करता चल। तो दोस्तों सबसे ज्यादा सॉफ्ट जो बर्फ है वो यहाँ पे है, और मैं आपको दिखाऊंगा ये देखो कितनी हल्की है, पानी की तरह है, मतलब पानी की तरह नहीं नमक की तरह है ये बर्फ, आप देख सकते हैं। और ये देखो, और बहुत ही सॉफ्ट बर्फ यहाँ पे, ये देखो। 1, 2, 3, अच्छा दोस्तों काफी बढ़ गया। और ये दोस्त मेरा बहुत ही खतरनाक दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं अद्भुत नजारा बिलिंग घाटी का। वाह दोस्तों बहुत ही खतरनाक दृश्य यहाँ से। चल रहा दोस्तों आप ये देख सकते हैं मेरा दोस्त कितना हेल्पफुल है, मेरे कान में दर्द नहीं है, फिर भी मुझे खा रहा है। दोस्तों बहुत ही मजा आ रहा है, ये देखो मेरा दोस्त सुरेंद्र बहुत ही खतरनाक है, मैं इसको बहुत ही नॉर्मल समझा लेकिन बहुत ही डेंजर बन गया ये। बस दोस्तों मुझे डर लग रहा है दोस्तों, मैं इसके जज्बे को देख के बहुत हैरान हूँ, इसने मुझे लिफ्ट किया है। और दोस्तों कभी भी गिर सकता है, अगर आप लेंस बना के रखे वो एक फोटो खींची इस तरफ आते उसको आ रही है, दोनों रात ही हो जाइए। चलो दोस्तों चलो मुंडियो आ जाओ नाच देना, हाँ गाना बाद दोबारा लेंगे। मैं तो बोलता सिर्फ कमीजा खोड़ दे भैन, इसे खोड़ दे भैया बननी वीडियो तगड़ी। हाँ समान लगा दा समान लगा दा चल मार छाल। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको जो पूरा बीड़ बिलिंग का जो व्यू है वो मैंने दिखा दिया है,
और दोस्तों होप कि आपको यार पसंद आएगा। और आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी बर्फ पड़ी है यहाँ पे, यहाँ बर्फ पड़ी है। और वो जो टॉप है यहाँ से पैराग्लाइडर जो है वो फ्लाई करते हैं, टेक ऑफ करते हैं। और बहुत ही प्यारा यहाँ पे नज़ारा। और वहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड टीन में है ये बने हैं टेंट हाउस, जहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे रात हो गई कुछ भी हो गया तो आप ये पूरा व्यू कैप्चर कर सकते हैं। पहाड़ियाँ और पहाड़ियाँ जो है दूध की तरह सफ़ेद हो चुकी हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मतलब स्प्रेड कर दें चारों तरफ इसको। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, सैल्यूट है आपके लिए। और मैं आपको अच्छी अच्छी जगह और भी दिखाता रहूँगा। सो स्टे ब्लेस्ड, बाय।